So now, welcome to Emacs coding classes. And today, this is VK Sinha here, and we are going to talking about the programming language world today. Okay. Now we have to understand what is C. Now C is a basically programming language in the computer science world, and that programming language means it's a language which computer formal language which gives the instruction to machine what to do or not to do. मतलब एक simple word में बोले हम तो कंप्यूटर सॉरी सी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे सिस्टम को ये बताता है इस फॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि हम और आप अभी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरी जो लैंग्वेज है उसको आप समझ पा रहे हैं गेटिंग बट व्हाट डू आई वांट टू से। उसी तरीके से हमें मशीन को भी समझाना पड़ता है कि भाई तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है बिकॉज इन इंटायर टू दिस वर्ल्ड ह्यूमन इज द फर्स्ट टॉपिस्ट इंटायर टू दिस वर्ल्ड। तो ह्यूमन बॉडी ने डिवाइस को बनाया और हम ही बताएंगे इसको हमेशा क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो जो कुछ भी हमें यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर इसके पीछे में हमारा कोड है दैट इज अ कोडिंग राइट। विदाउट कोड वी कांट सी ऑन द स्क्रीन। सो विदाउट कोड का हम इस स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर अपने सिस्टम में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी यूज होता है। सी प्लस प्लस हमारी जो मोस्टली प्रोग्रामिंग यूज होती है ठीक है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। लिनक्स इज द कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सी एंड देयर इज द प्रोग्रामिंग ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल। सो नाउ अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि सी तो हमने पहले ये किया कि सी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वैसा लैंग्वेज जो सिस्टम को बताए भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमने अभी ये भी बताया आपको कि स्क्रीन के बिहाइंड में जो कोड है उस कोड्स को हम लोग समझने जा रहे हैं दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोग्रामिंग। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन विल बी द अराइज वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो माई एंसर इज हियर यू कैन सी इंटायर टू दिस वर्ल्ड Everywhere is connected IT, like any field, defense, banking sector, railways, everywhere you can see the IT is there. That is the computer science world is going to take off of entire to this world. So we need to create a software, we need to create an application. So that's why we are going to study about the programming language. And now what is the benefit? That is the first advantage I give you. Second, I am going to tell you. जैसे कि हम अपने मोबाइल्स में ऐप को देखते हैं तो मोबाइल में जो ऐप है हमारा वो हमारी बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग पर डिफाइन है। सो जावा इज द प्रोग्रामिंग दैट्स एंड्रॉयड ऐप इज क्रिएटेड गेटिंग अ पॉइंट। सो जावा इज द वन प्रोग्रामिंग ऐप दैट देयर। नाउ यू कैन सी ऑल्सो द लैंग्वेजेज राइट नाउ इज द पाइथन। पाइथन इज द लैंग्वेज दैट्स यूज इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज मीन्स ए आई। सो इन द टूडे वर्ल्ड पाइथन इज टेकिंग ओवर। सो आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी टॉप्स पर चल रही है एंड आने वाले टाइम में एआई का जो फील्ड है वो टेक ऑफ करने वाला है। लेकिन एआई को क्रिएट करने के लिए नॉट ओनली द पाइथन इज नीडेड दैट इज यू नीड अ लैंग्वेजेस ऑल्सो द सी सी प्लस प्लस जावा पीएचपी पाइथन एंड सीक्वल। सीक्वल इज द वन प्रोग्रामिंग दैट इज द डेटाबेस प्रोग्रामिंग। ओके सो दिस वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। So if you have to go to the any sector of the IT field and if you want to create a websites and app there you need some basic programming you have to understand. So that's why we are going to talking about today the programming world and this is a completely interesting world I want to say to you. So thank you to watching to this programming language. What is the programming language? In the next session I will tell you the next part we have to that. So yeah.